हेलो एवरीवन वन दिस इज़ दंटिन्यूशन पीडियो ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हमने देखिए फर्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक पढ़ा था वट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यह हमने पूरा थेटिकल डिस्कस किया था लाइक वेस्टिंग कंडीशंस दो तरह की होती है दैट इज सर्विस बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड उसके बाद हमने टैमरिंग के थ्रू पढ़ा था ग्रांडेड किसे कहते हैं वेस्टिंग पीड किसे कहते हैं एक्सरसाइज पीड किसे कहते हैं एंड है, अगर कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया तो लैब्स कब होता है किस तरह होता है

To each employee on 1st of April 2017 at rupees 16. देखिए ये कौन सा प्राइस है? This is the exercise price, यानी कि offering price, right? The vesting period is of two and half years. The maximum excess exercise period is one year. The market price of the equity of the uh, company is on the grant date is rupees 20.

कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहे तो इस बेटर जो जो क्वेश्चन यहां पर लिखा है उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके माइंड में एक ब्लू प्रिंट बन जाए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है राइट right? तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन ये टाइम लाइन है देखिए स्टार्ट हो रहा है दैट दैट इज इज फ्रॉम ऑफ अप्रैल टिल आपका वेस्टिंग कितना 2.5 इयर्स सो पर देखिए ये हो गया आपका वन ईयर

ठीक है और ये पीरियड क्या वेस्टिंग पीरियड ये एक बेसिक कंडीशन है आज से यानी कि आज से मतलब कब देस फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड से लेकर अगर आप ढाई साल तक कंटिन्यू काम करते हो तो, हमारी कंपनी में तो उसके बाद आपको जो ईसो शेयर के ऑप्शन अवेल हो जाएंगे राइट right?

वैल्यू ऑप्शन कैसे करते हैं मार्केट प्राइस कितना नाइन्टी है एक्सरसाइज प्राइस कितना है थर्टी देखिए एक्सरसाइज प्राइस किसे कहते हैं जस्ट मिनट सॉरी यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पर सिक्सटी है सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया पर एक्सरसाइज प्राइस जो है वो सिक्सटी है एंड जो वैल्यू एंड जो डिस्काउंट है वो कितना है दैट इज थर्टी है राइट right. <coughs> तो देखिए अब कंपनी का जो खर्चा वो क्या दैट इज वैल्यू ऑप्शन डिस्काउंट है ठीक है दैट इज इक्विंग टू इंप्लाइज कंपेंसेशन एक्सपेंस तो हमें कैल्कुलशन होगी हर साल कंपनी जो है पीएनएल अकाउंट से कितना एक्सपेंस है वो सेटअप करेगी ठीक है अच्छा क्वेश्चन याद रखना ये जो मार्केट वैल्यू जो गिवन है दैट इज रुपीज नाइनटी दैट वुड बी सेम थ्रू आउट दी इस शेयर सर मतलब

ऑन फर्स्ट ऑफ 2017 को अब उसके बाद चाहे प्राइस चाहे ऊपर चले नीचे चला उसका मतलब नहीं है सेम वे वैल्यू ऑप्शन वो भी सेम रहेगा तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी रिमेन हमेशा सीधी सी बात है ऐसा मत समझना कि सर शेयर आज तो नब्बे रुपए के चल रहे हैं तीन साल बाद हो सकता है वो एक सौ बीस चले जाए तो ऐसे कैसे होगा डिस्काउंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं चलना ये सॉब शेयर और एक्सेस प्राइस ये डेट के हिसाब से है यानी जिस डेट को कंपनी ने ऑफर किया उसी डेट को मार्केट प्राइस देखेंगे एंड उसी डेट को जो से right? to to तो है एक्सेस प्राइस देखेंगे राइट चलिए ना कॉमिंग टू हाउ टू कैलकुलेट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस तो देखिए पहले आपको देखना है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ये हो गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड दैन टू पॉइंट फाइव ईयर हाँ ठीक है तो अब देखिए पहले जो साल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं टू हर एम्प्लॉय को कितने मिल रहे हैं टू सॉप राइट एंड वैल्यू ऑप्शन कितना है थर्टी डिस्काउंट कितने मिल रहा है तीस रुपए के हिसाब से डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव क्योंकि इसको इक्वी डिवाइड करना है तो पहला साल का जो ई सॉप कितना होगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड राइट आपको फार्मूला को याद रहता हूँ देखिए आप फॉर्मुला कहता है कैलकुलेन ऑफ एम्प्लॉ कम्पेशन दैट मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉज एक्सपर्टी टू अवेल कितना है एम्प्लॉई कितना है टू जो पीरियड ओवर हो चुका है एक साल हो गया तो पहले साल एक्सपेंस माइनस होगा नहीं देखिये अगेन वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय थर्टी अभी यहाँ पे को तो कितना आगे फोर्टीड फिर इसको माइनस करेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड का बिकॉज ये वाला एक्सपेंस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिपीट नहीं करना तो इस साल का एक्सपेंस कितना होगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड देन ऑन थर्टी तो ये सॉरी यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी जो कि थर्टी एथ ऑफ सेप्टेम्बर टू सॉरी नाइनटीन ही होगा ये कितना हो गया वन शेयर्स टू पर शेयर मिल रहे हैं तीस डिस्काउंट मिल रहा है ये तो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव डिवाइड हो जाएगा टोटल तो थाउजेंड फिर फोर्टी थाउजेंड माइनस करेंगे सर फोर्टी थाउजेंड कैसे आया दिस प्लस दिस टोटल जो होगा वो माइनस हो गया सो so, इस साल का एक्सपेंस कितना होगा दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड राइट सो दिस इज द वे ऑफ कैलट एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस ये आपको हर जो भी एग्जाम हो गए प्रैक्टिस करोगे पहले आप अपने आप इस, ईयर अगर आप नहीं लिखोगे तो आप ये जन एंट्री पास कर ही नहीं सकते सो बेटर so, ये वर्किंग नोट में पहले आप जो है इम्प्लॉयज एक्सपेंस को आप लिख के देखो कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना आ रहा है राइट चलिए ना मोविंग

अब एक बार टाइमलाइन लाइन पर आया टाइम लाइन पर क्या क्या बोला था देखिए टाइमलाइन में ये बोला था कि टाइम लाइन ये बोला था कि यहाँ पर जो है वन थाउजेंड एम्प्लॉयज को ने वेस्टेड किया था और एक्सरसाइज पीरियड में क्या हुआ कि नाइन हंड्रेड एम्प्लॉयज ने जो है शेयर्स ऑप्ट किए बाकी हंड्रेड शेयर्स नहीं किए तो देखिए हमने क्या करा था अब तक हमने क्या करा कि जो वन थाउजेंड की जो जितने भी कंपनी ने अपने डिस्काउंट दिए थे यानी कि शेयर्स के हिसाब से जो भी डिस्काउंट था वो कंपनी ने ढाई साल इक्वल डिवाइड कर लिया पिन एल अकाउंट में राइट अब उसके बाद एक्साइज पेट में सिर्फ नौ सौ रह गया और हमने पी एन एल एडजस्ट कर लिया हजार के हिसाब से तो अब क्या होगा सर कुछ नहीं करेंगे पहले नौ सौ की एंट्री कर देंगे जितने भी शेयर्स आगे हम उसको कर लेंगे बाकी जो नहीं है उसको हम जर्निज में ट्रांसफर कर देंगे सिंपली पहले हमने पी पिन एल से निकाल लिया

राइट यानी कि ऑफर प्राइस देन एम्प्लॉयज आउटस्टैंडिंग ये कौन सा प्राइस था ये था आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू कंपनी के लिए वो खर्चा था राइट उसको मटेरियल कर देंगे देन ये हो गया आपका फेस वैल्यू एटीन सॉरी एटीन हंड्रेड मंटी टेन एंड देन रेमेनिंग अमाउंट गोज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट अब उसके बाद सौ शेयर और बच गए और हर शेयर को कितने देते थे दो

उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड कितने बढ़ गए फिर लिखो भी कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ने वैसिड पीरियड जो कंप्लीट किया फिर उसके बाद एक्सर पीरियड में कितने एम्प्लॉइज ने ऑप्ट किया कितने लैप्स हो गए सब कुछ मेंशन करो जितना आप ज्यादा मेंशन करोगे उतने आपके माइंड में क्लैरिटी होगी राइट right? चलिए नेक्स्ट मूवमेंट टू तो क्वेश्चन नंबर 2 गुडविल लिमिटेड ग्रांट्स

और यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है कोई दिक्कत नहीं फिर तो मजा आगे देन गुडी लिमिटेड ऑल्सो एस्टिमेटेड थर्टी परसेंट ऑफ द विल लीव एम्प्लॉज द ड फोर ईयर पीरियड यानी कि मेन वाइल इन द वेस्टिंग पीरियड थर्टी परसेंट ऑफ ऑलरेडी लेफ्ट द कंपनी राइट सो इसका मतलब चार साल का जो वेस्टिंग पीरियड है ठीक है उसमें से जो है थर्टी परसेंट एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया कंप्लीट नहीं किया तो कंपनी क्या करा उनके राइट जो वो एम्प्लोगी। एम्प्लोगी है वो फॉरफिट कर लिए राइट आई कितने का है? चार साल का है चार साल जो वेस्टिंग उसमें से जो थर्टी परसेंट जो हैं उन्होंने वेस्टिंग पीरियड जो है ओवर होने नहीं दिया पहले ही जो कंपनी छोड़ दी राइट इसका मतलब बाकी जो सेवेंटी परसेंट है उन्होंने जो है ये शेयर्स जो ऑप्ट कर लिए और एक्सरसाइज कर लिए, राइट right? तो देखिए दिखे, पहले हम देखेंगे टाइमलाइन। देखिए टाइमलाइन है स्टार्ट हुआ दैट मीन्स कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी देखिए आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन वैसे कहीं पर डेट गिवन नहीं है तो मैंने अपने अंदाजे के हिसाब से ले ली ये मान लीजिए ये क्या है दैट इज दी ग्रांड ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चार साल का जो है कंपनी के पास क्या है वेस्टिंग पीरियड है ये हो चार साल का वेस्टिंग पीरियड राइट इसको क्या बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड

150 टू 1000 टोटल कितने का 1.5 लाख शेयर्स वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन आपका 100 सॉरी 15 पर शेयर आपने कहा ना आपको एम्प्लॉईज कंपनसेशन एम्प्लॉईज ऑफ ईच ईयर राइट कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए टोटल ईसोप्स कितने हैं 150 150 के साइज का 1.5 लाख के साइज का दैट इज 1000 1000 ऑफ एम्प्लॉईज थे एंड 150 शेयर्स देयर हैं सबको राइट देखिए पहले मिनट में देखिए क्या करेंगे 1.5 लाख मल्टीप्लाई 70% सर आपने 70 परसेंट क्यों करा और आपने फर्स्ट ईयर में कर दिया देखिए अगर आप क्वेश्चन को लेंगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या लिखा हुआ था लिखा था थर्टी परसेंट ऑफ द इम्प्लाइज विल लीड ड्यूरिंग द फोर ईयर पीरियड अब लिख दिया फोर ईयर पीरियड लिखा तो है कि कौन से सा साल में जो है वो तीस परसेंट इम्प्लाइज वो भाग तो अर्जुन क्या कर रहे कि कंपनी ने मतलब एम्प्लॉयज uh, ने जो पहले साल ही जो वो गायब हो गए थर्टी परसेंट तो डेढ़ लाख हम निकालेंगे सेवेंटी यानी जो रिटेन है उनके खर्चा कंपनी जो है तो डेढ़ लाख मल्टीप्लाई राइट और आप देख सकते हो कि ये जो है हर साल का जो वो, सेम ही रहेगा क्योंकि राइट अच्छा यार देखो मैंने यहाँ पर क्या, क्या क्या करा है जब आप करोगे तो ये अमाउंट डबल है तो मैंने ये ऑलरेडी एक्सपेंस ये माइनस कर दिया सेम वे यहाँ पर जब हम करे थे तो मैंने इन दोनों का एक्सपेंस माइनस कर दिया राइट

हैजेड शेयर कैपिटल डिवाइड इंटू टेन यानी कि फेस वाले गिवन है ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इट ग्रांटेड टेन थाउजेंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट रुपीज फोर्टी ये क्या है आपका एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस कितना है वन थर्टी द ऑप्शन वर्ट टू बी एक्सरसाइज बिटवीन फिफ्टीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड थर्टी फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द एम्प्लॉयज

राइट अब देखिए जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस है वो तो देखिए जो भी आ, कितने पीढ़ी के लिए रखा था यहाँ पर अच्छा यहाँ पर लिखा ही नहीं है कि कितने साल के लिए जो वेस्टिंग पीरियड तो कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पर तो आप देख सकते हो तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है 2020 में तो कंपनी ने ये ग्रांट किया 31 मार्च अप्रैल तक तो ये एक्सरसाइज पीरियड रखा हुआ था तो एक साल का ही उन्हें कैसे टाइम दिया गया था ओके तो देखिए यहाँ पर जो है एंट्री जाएगी ना एम्प्लॉयज कंपेंशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ये नाइन लाख नाइन लाख आ जाएगा राइट ये जो दो एंट्री हुई है ये जो दो एंट्री हुई है ये हुई, है, ये हुई है, ये है, ये है एस पर टेन थाउजेंड इस ऑफ और फिर ये जो एंट्री हुई है ये हुई है एस पर नाइन थाउजेंड इस ऑप्स और ये जो एंट्री हुई है ये हुई है एस पर वन थाउजेंड इस ऑप्स राइट इतने लोगों ने जो, वेस्टिंग जो है वेस्टिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट किए हैं इतने लो, लोगों ने जो है वो इस ऑप्स शेयर जो की है वो एक्सरसाइज किए हैं और इतना जो वो क्या हो गया लैप्स हो गया राइट सो नाइन करेंगे हम देखो एंट्री करोगे बैंक ऑन डेबिट

राइट right? सो so, ये yeah, आपका पूरा बेसिक्स था एंड नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में थोड़े और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे ऑल राइट थैंक यू